गुजरांवाला दे शेरों, गुजरांवाला दी शेरनियों, जीउंदे रहो, हसते रहो, वसते रहो। गुजरांवाला वालियो, मैं ते सुनिया सी कि आज काम शुरू होना सी, तुसी ते आज काम ही मुका देता। ते गुजरांवाला वालियो तुसी उस शहर तो ताल्लुक रखते हो जिथे नवाज शरीफ दा मुखालिफ नीवा नीवा होके लंघदा है। जिंदाबाद गुजरांवालो, जिंदाबाद। मैं पीडीएम के कायदीन को, मुअज्जज कायदीन को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, बलावल भुट्टो जरदारी साहब को, महमूद खान अचकजई साहब को, प्रोफेसर साजिद मीर साहब को, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को, मौलाना अवैस नुरानी साहब को, मियां इफ्तखार साहब को, डॉक्टर जहांगीर जमाल दीनी साहब को, अहमद नवाज जदून साहब को और बाकी कायदीन को दिल की गहराइयों से गुजरांवाला में खुशामदीद कहती हूं। गुजरांवाला वालों, एक गल दस दियो, इमरान खान सिलेक्टेड आजम नु एनआरओ देना जे के नहीं देना? इमरान खान नु एनआरओ नहीं देना ना? कौन कहता था कि पांच बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? तो आज लाहौर से गुजरांवाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। कल रात को अभी मैं देख रही थी, एक हफ्ते से गुजरांवाले के जलसे का खौफ था। वफाकी काबीना के अरकान एक हफ्ते से लाहौर में डेरे डाल के बैठे हुए थे, गुजरांवाले का इतना खौफ था उनके सर पर। और रात को एक पनागाह में जा घुसा इमरान खान, तो उसको ये बता दो कि अब तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। मैंने बहुत बातें करनी थी आपसे, लेकिन एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने आपसे बहुत तफसील में बात की है, दूसरा वक्त भी अब 12:30 बज चुके हैं। अभी बलावल भुट्टो साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगी। मैं आज ना नवाज शरीफ का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना मरियम नवाज का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना अपोजिशन का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना मैं आपके पास मुस्लिम लीग नून का मुकदमा लेके आई हूँ। मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूँ। मैं उस माँ के आंसुओं का मुकदमा लेके आई हूँ जो अपने बच्चों को भूख से बिलकता देखती है, लेकिन उसका आटा चीनी रोटी पूरी नहीं होती। आप लोग गुजरांवाला के मेरे भाइयों, आप लोग बताओ, आप लोग कारोबारी हो ना, ज्यादातर ताजर बरादरी से ताल्लुक है ना आपका ज्यादातर, तो क्या आज कारोबारों को ताले नहीं लगे हुए? मैं आज उस कारोबार बरादरी, ताजर, मजदूर, रेड़ी बान में आज उन सब का मुकदमा लेकर आपके पास आई हूं। मैं आज उस अदलिया का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं जो अहकामात को जब नहीं मानते
और जब कहते हैं कि हम आईन और कानून पे चलेंगे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सदीकी वाला हाल उनका कर दिया जाता है। मैं आपके पास वो मीडिया बैठा है, मीडिया वो बैठा है, मैं आज आपके पास मीडिया की जबान बंदी का मुकदमा लेकर आई हूं। मीडिया में जो लोग सच्चाई के साथ आपकी आवाज बनना चाहते थे उनको या तो नैब में जेलों में डाल दिया गया या उनकी जबान पे ताले लगा दिए गए या फिर उनको चैनल से नौकरियों से निकलवा दिया गया। और मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों, ये इस्लामाबाद के मनाजिर याद है ना, अभी कुछ दिन पहले सरकारी मुलाजिम हजारों की तादाद में रेड जोन में आके बैठे देखे थे ना, और अभी कल परसों ये जो हम कौम की माएं बहनें बेटियां लेडी हेल्थ वर्कर्स की शक्ल में पेंशनर्स बूढ़े लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे रुल रहे हैं, मैं उनका मुकदमा भी आपके पास लेके आई हूँ। और नवाज शरीफ साहब ने बहुत तफसीलन बात कर दी है, लेकिन मैं आपके मुंतखब नुमाइंदों का मुकदमा भी लेकर आपकी अदालत में आई हूँ। आपके मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनको तो एक इकामे पर निकाल दिया जाता है, उनकी तीन तीन नस्लों का हिसाब होता है, उनके ऊपर अरशद मलिक जैसे जज लाके बिठा दिए जाते हैं। लेकिन पापा जोन्स को जानते हो ना, ये 99 कंपनियां किसकी हैं? पापा जोन्स का पिज्जा जानते हो ना, तो वो आसिम सलीम बाजवा को आज पूछने वाला कोई नहीं है। वो कहता है कि मैंने आज SAPM से रिजाइन कर दिया है, लेकिन क्या आप ये देखो, ये हकूमती मशीर ये कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो बयानियां हैं वो आवाम की समझ में नहीं आता। समझ आता है कि नहीं आता? आईन का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? वोट चोरी का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? तो फिर ये भी समझ आता है ना कि जो अभी कहा था ना कि वो अवाम के आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आजम के ऑफिस से बाहर फेंके। हिसाब किताब आपने करना है और किसी ने नहीं करना, और अगर कोई ये करता है तो ये ताकत आपको उससे छीननी पड़ेगी। जनरल जहीर उल करप्शन में से तो एक कामा निकल आया, लेकिन क्या जनरल जहीर